वेलकम बैक एवरीवन टू हेमलैंड्स। तो हेमलैंड्स के अंदर गड़बड़ों का सिलसिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस वीडियो में गाइस आज हम लोग इन गड़बड़ों को ठीक करने वाले हैं। बिकॉज हमारे हेमलैंड्स की जो टाइमलाइंस खराब हो गई थी, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सारी की सारी टाइमलाइंस को ठीक करने वाले हैं। और इनको ठीक करने के लिए गाइस हम लोग एक अलग यूनिवर्स के अंदर आए हैं, जिस यूनिवर्स का नाम है पूर्ण विराम। और इस यूनिवर्स के अंदर गाइस हमारे पूरे के पूरे हेमलैंड्स के जितने भी यूनिवर्सेज है, उन सभी यूनिवर्सेज का टाइम यहाँ पर मैनेज किया जाता है। बट इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद गाइस हम लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैंने एज योर ड्रीम बॉय ये प्लान बनाया कि हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और कोई भी एक एक हिंट जो भी हम लोगों को मिलने वाले हैं, वो हिंट्स को लेकर हम लोग वापस इसी पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में गाइस मुझे बहुत ही मेजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली थी, वो ये थी कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि सबके टाइम को कंट्रोल कर सकता है। ये बंदा जब चाहे हम लोगों को फ्रीज कर सकता है, जब चाहे हम लोगों को अनफ्रीज कर सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन गाइस हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज गाइस किसी भी हालत में हमारे हेमलैंड्स के ट्रायो को इस पूरी की गड़बड़ को ठीक करना है। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक। इस वीडियो का लाइक है गाइस 400K लाइक। हमारे हेमलैंड्स ट्रायो के लिए इतने लाइक्स तो बनते हैं, दबा के लाइक मारो गाइस। एंड चैनल पे नए हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज़ आज बहुत सारा मजा आने वाला है। एंजॉय दिस वीडियो मैन। ओ माय गॉड गाइस, ये बहुत सारा मेजर इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर ये बंदा टाइम को कंट्रोल कर सकता है लोगों का। ब्रो दिस इज सो अमेजिंग। वेट अ सेकंड। ओ माय गॉड गाइस, वैसे तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने दोस्तों के पास जा रहा था, बट अगर मैं डायरेक्ट इस बंदे से टाइम कंट्रोल करने वाला जो भी इसके पास है हाथ में, लाइक कुछ ऐसा क्या बोलेंगे इसको, यंत्र टाइप है, अगर मैं इस इक्विपमेंट को चोरी कर दूं इस बंदे से तो कितना बेस्ट हो जाएगा। बट गाइस जब ये बंदा यहाँ पे टाइम को कंट्रोल कर रहा है तो लिटरली मुझे भी स्टॉप कर पा रहा है। तुम लोगों ने देखा होगा लास्ट एपिसोड में इसने आयरन गोलम को टाइम स्टॉप कर करके मारा है। हाई साहब, तो गलती से भी गाइस अगर इसने मुझे देखा ना तो भाई ये मुझे पेल भी सकता, तो मेरे को ना बस स्नीक अटैक करना पड़ेगा इस बंदे के ऊपर। मैं काम करता हूँ, मैं ना इस बंदे से ये सामान लेकर ही जाता है। यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत मुझे ब्रेड वगैरह मिली है, ये सामान भी मैं लेकर जाता हूँ खाने को। और इस बंदे को मैं चोरी चोरी छुपा वहीं पे बंदा अभी तक। ओके ओके, मुझे साइडों पे जाना पड़ेगा, एक बार इस पे करना पड़ेगा स्नीक अटैक। और तीन फटके मारूंगा मैं अपनी शॉट से, ये बंदा मर जा। अरे भाई इसने टाइम स्टॉप कर दिया। ओ माय गॉड, थैंक यू भगवान जी, मैंने यहाँ पे घर के पीछे, अगर मैं घर के सामने होता तो भाई ये मुझे अभी तक के लिए पेल भी देता। ओके इसने टाइम को फिर से नॉर्मल कर दिया है। कहाँ गया बंदा, कहते हैं साइड में जा चुका है। ओ माय गॉड ब्रो, ये बंदा गया कहाँ पर है। मैं बीच रास्ते में स्टॉप करते से टाइम को, आई स्वेयर मैं हिला नहीं पा रहा हूँ। गाइस अगर ये अभी मेरे मुंह के सामने आ गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। अरे हटा दे टाइम को, क्या कर रहा है ये बंदा ब्रो। ओ माय गॉड भाई, मैं आज मर, मैं सब बच गया। साइड में चल। ओ माय गॉड, मैं ऐसे रहने वाला, मैं लिटरली ऐसे रहने वाला अभी। अरे यार मैं इस बंदे के ऊपर यहाँ पर लेकिन करूंगा कैसे ये स्नीक अटैक। ये भाई ये मार रहा है किसी को वहां पे। मैं फंस गया, इसने टाइम स्वैप कर दिया भाई, मैं गलत जगह पे फंस गया। ओ माय गॉड, इसने मुझे देख लिया है। ओ माय गॉड, आई एम डन। मैं मर गया, मैं मर चुका हूँ गाइस अभी। ओ माय, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अपने माउस को हिला रहा हूँ यहाँ पे, देखो तुम लोग भाई। ओके टाइम, इसने हटाया था टाइम, इसके हाथ में देखो गाइस यही डिवाइस है जो मुझे चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि इसको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही अभी। ओ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी नहीं कर पा, मैं F5 भी नहीं दबा पा रहा, स्वेयर टू गॉड। ओ माय गॉड ब्रो, ओ नो, कितना चालू है ये बंदा, एकदम से टाइम को स्टॉप करके मेरे मुंह के सामने फ्रीज। ओ माय गॉड भाई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मैं बात, नो, इसने मुझे स्टॉप कर दिया। मुझे दिख नहीं रहा मेरे पीछे क्या कर रहा है बंदा, यार गोलों को मार रहा है इसने ना भाई, मैं ना हवा में अटका हुआ सब भागते। आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन, ये क्या। ओ माय गॉड ब्रो, मैं F5 में अभी, व्हाट द हेल। अरे भाई ये बंदा मुझे कैसे कैसे पोज में रोक रहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड ब्रो, मेरे ने लग चुके जिंदगी के, आई एम नॉट इवन जोकिंग, मेरे जिंदगी के लग चुके हैं, सच बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे भाई ये बंदा ना मुझे आज यहाँ पे टॉर्चर कर करके मारने वाला, मैं क्यों वापस आया। देखो यहाँ पे भाई आयरन गोलम पूरे तरीके से एग्रो और मेरे मुंह के सामने मार दिया इसने उसको, ये देखो। What the hell? Oh my God, guys, आज मेरी मौत यहाँ पे लिखी हुई है टाइम रुक रुक के। ये बंदा ना, oh my God, ये मुझे आग लगा दे कैसे करके। What the hell? भाई मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे। अरे भाई मेरे दोस्तों मेरी आवाज भी नहीं जा रही है, ये मतलब मुझे टाइम स्टॉप करके मार रहा है। यू सीरियस डूड, व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहा है भाई, ये मुझे जला के मारने वाला है। ओ माय गॉड, मुझे अपने दोस्तों के साथ आना चाहिए था, मैं क्यों वापस आया यहाँ पे। भाई जी हेलो, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ मुझे, कौन है तू भाई? मैं, अरे तू भूल गया मेरे को? अरे बचपन में हम लोग कंचे साथ खेला करते रहे, याद कर, दूसरे वाले विलेज के अंदर हम लोग साथ कंचे खेलते रहे, डेली गेड़ियां मारते रहे, इतने रहे डॉगी भी वहां पे हुआ करता रहा, याद कर जरा।
मैं वही कौन कंचे वाला, अरे भाई मैं वही हूँ कंचे, तेरे साथ बचपन में खेलता था, याद नहीं है क्या? इतना जल्दी भूल गया क्या मेरे को तू? ओ माय गॉड, मैं एक तो भाई मैं हिल नहीं पा रहा, मैं टाइम यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। ब्रो देख मैं वही हूँ, मान जा, अगर तूने मेरे पे और हमला किया तो भाई तेरी यहाँ पे जान आने वाली है अभी हलक में। मैं देख तू मुझे मारता रह जाएगा बेटा, मैं मरूंगा नहीं, तू मारता रह, तू मेरा टाइम स्टॉप कर एक बार, तेरे को बता रहा हूँ मैं अभी, टाइम स्टॉप कर तो ले एक बारी। ओ माय गॉड, रुक जा, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, क्यों मरना है भाई तेरे को? देख मैं बता रहा हूँ, मेरा बैकअप एक बार यहाँ पर आ गया ना तो तू गया मेरे हाथ से। रुक जा, नहीं मानेगा तू, नहीं मानने वाला ना, रुक अभी देख तू यहाँ पर क्या होता है। 1, 2, 3 मार दे होगा लाला इन सबको, मार दे, मार, शाबाश, इससे मेरा टाइम स्टॉप किया हुआ तेरे दोस्त का। ओ माय गॉड, होगला आगे बचाने के लिए, आई मीन होगलू आगे बचाने के लिए, थैंक यू, मार, अरे दोनों को मार, अरे पकड़ो, तुम इसको नहीं मार सकते हो, थोड़ी हैरानी नहीं तेरे को क्या है पकड़े कि तूने यहाँ पे टाइम स्टॉप किया? यस एग्जैक्टली, नीचे लिख रहा है मेरा टाइम स्टॉप करने के बावजूद भी कैसे हिल पा रहा है बेटा, ये तुम्हारा पिताजी है, एंटिटी है, मार इसको, कुत्ते को मार, जान से मार कुत्ते को, कुत्ता बचता नहीं चाहिए इसका, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, ये क्रूरता करते हैं लोग यहाँ के विलेजेस पे, ये गलत बंदे के पास टाइम स्टॉप पर आ चुका, मार, शाबाश। देख ब्रो अगर तू रुका नहीं अभी तो ये तेको मार देगा, रुक जा, होगला, मैं इसको अभी यहाँ पे देता हूँ, ओए वापस आ जा, मैं तेको बता रहा हूँ प्यार से, वरना ये तेको मार देगा, तेरे को मैं प्यार से बोल रहा हूँ, रुक जा अभी भी भाई, ये मार देगा, होगलू तेको मार, हाँ बोल इसको रुकने के लिए, मैं रुक जाऊंगा, एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा रहे मुंह के सामने, एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा है, हिला अगर तू तो तेरे को मैं अभी और इस वक्त पिलवा दूंगा यहाँ पे, समझाना, होगलू जा इसके पास जा, और भाई वहीं पर रहिए, तू एक बार टाइम को अनस्टॉप कर, शाबाश, ओ माय गॉड, जो तेरे हाथ में टाइम वाली घड़ी है उसको दे मेरे को, दे पकड़ा, नहीं पकड़ेगा, मार, होगलू मार इसको, इसकी ऐसी की तसी, मार इसको, पकड़ा मेरे को जल्दी फटाफट, हाँ दे रहा, रुक जा, लिख रहा है नीचे, दे रहा हूँ, पकड़ा उसको मेरे को, फटाफट पकड़ा, अबे स्कैम कर रहा है, मार इसको, फटके मार इसकी, पकौड़े कैसी कैसी, भाई तू मरने वाला, तेरे को समझ में नहीं आ रही है, फेंक देना, पकड़ा इसको, हाथ में दे मेरे को इसको, दे इसको, फेंक, ये मान नहीं रहा बंदा, कैसा आदमी है भाई ये, अभी तक गुरूर है इस बंदे को, होगलू इसको जान से मार दे, मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूँ, जान से मार दे इसको, मार दे भाई, कोई टेंशन नहीं इस बंदे की जान क्या भाई, तू मरेगा तो तेरी इन्वेंटरी से ऐसे भी छूटी जाएगा सामान, तो तू जान से, हाँ रुक जा, लेट मी चेक दिस, ओ माय गॉड, इसका नाम टाइम स्टॉपर है, वेट मैं टाइम स्टॉप, गाइस मैं, होगलू तू रुक गया, हेलो ये क्या मजाक है, अरे ये बंदा तो एक्ट, वेट अ सेकंड, आ मेरी जान, अब बोल पकौड़े, देखो, ओ माय गॉड, जब मैं टाइम को स्टॉप, कहाँ भागेगा ये बंदा लिटरली भाग रहा था हवा में, टाइम स्टॉप कर दिया मैंने इसका, गाइस जब मैं टाइम स्टॉप कर रहा हूँ तो मेरे होगलू का टाइम भी स्टॉप हो रहा है यहाँ पे, पर भाई इससे पहले तो तू हिल रहा, ओ मतलब तू यहाँ पे टाइम के साथ तो स्टॉप भी हो सकता है, हिल भी सकता है, यही तो बात है भाई, हेलो मेरे बेटे, देख पीछे, जब यहाँ पे टाइम रुकता है तो तू एक जगह पे रुक जाएगा, लेकिन मेरा दोस्त जो कि एंटिटी है वो नहीं रुकता, समझा ना, तू बच्चा है हमारे सामने, तेरा कुत्ता भी का, चल अब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे कि टाइम स्टॉपर तेरे पास कहाँ से आया, तू कौन है और तू ये टाइम स्टॉपर के साथ क्या कर रहा है इस वर्ल्ड में, फटाफट मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे, वरना होगलू तू तैयार हो जाए अपनी स्वॉर्ड, अभी टच मत करियो उसको, ठीक है ना भाई, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो भाई तेरे को बता, तेरे को कहाँ डालनी है स्वॉर्ड, पूरी डाल दियो, ठीक है ना भाई, चल सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फटाफट बता। ऑल राइट गाइस, तो इस बंदे से बात हो चुकी है, जो चैड नाम का ये बंदा है ना, इसने मुझे बताया कि इसने टाइम स्टॉपर ना एक्चुअली में एक आचार्य नाम का एक बंदा है, लाइक एक बहुत ही तगड़ा वाला लाइब्रेरियन है यहाँ का, लाइब्रेरियन तो क्या मतलब कि जो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं ना, कुछ बहुत ही नॉलेजेबल बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें से किसी एक बंदे से इसने चोरी किया भाई इस चीज को, और ये बोल रहा है कि ये टाइम स्टॉपर बहुत रेयर चीज है, दैट्स व्हाई इसने चोरी किया था इस चीज को, ताकि इस चीज का फायदा उठा सके। अब इस टाइम स्टॉपर के साथ गाइज ये यहाँ पर क्या करता रहा, कुछ भी कर सकता रहा, सब उसको कुछ चोरी करनी है, टाइम को स्टॉप कर देगा एंड लोगों के मुंह के सामने से उनके घरों को चोरी करके भागता रहे बंदा, आयरन गोलम उसको मार मार के आयरन निकालता है, क्योंकि इसको माइनिंग करने में मौत आती है, ये इतना आलसी बंदा था, इसलिए इसने इस टाइम स्टॉपर को चोरी करने के लिए 3 साल तक प्लान बनाया एंड देन फाइनली इसको चोरी करके पिछले 4 महीने से लेकर मजे मार रहा था इस वर्ल्ड के अंदर, पूर्ण विराम के अंदर, और तुम लोग इसको देख भी सकते हो, बट अलग जैसा बंदा नहीं है ये, है ना, बिल्कुल इस टाइप के बंदे हमारे हिमलैंड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होते भाई, ये यहाँ का पूर्ण विराम जगह का गाइस ये लोकल बंदा है जो कि एक चोर है, तो भैया
मैंने प्लान किया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ ना होगलू इसको पेल देता हूँ मैं, ठीक है ना भाई? क्योंकि भाई अगर मैं इसको पेलूंगा ना तो तू ये मान के चले भाई ये चोरी तो है भाई इस वर्ल्ड का, और क्या काम है इसका तू बता मेरे को, है ना? कि चोरी है इस वर्ल्ड का, इसीलिए मारो पकौड़े को ऐसी की तैसी तेरी। आई थिंक अभी तक तू ये मर गया होगा, हाँ लाल होगा पूरा का पूरा। टाइम को जैसे कैसे हम लोग करेंगे नॉर्मल, मर चुका है, लेट्स गो। अच्छा भाई इसने कैसे हम लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी, पास वाले विलेज में आचार्य रहते हैं हमारे, एंड उनके पास चलते हैं गाइस और उनको एक बार टाइम स्टॉपर देते हैं। इनफैक्ट इस टाइम स्टॉपर से गाइस हम लोग ना एक स्टेप नजदीक पहुंच चुके हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ इतनी रेयर चीज है, इतनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को मिली है ना टाइम स्टॉपर वाली, एंड आई डोंट नो ड्रीम बॉय और मेरे दोस्त एसयू इन दोनों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन के दम पर गाइस हम लोग इस पूर्ण विराम वाली जगह का पूरा जो मिस्ट्री है वो सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स गो टू दिस आचार्य गाय और उससे एक बार हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इस पर्टिकुलर चीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ऑलराइट गाइस, आचार्य वाले विलेज के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर है बुजुर्ग अंकल, एंड अभी मैं सोच रहा हूँ होगा लाला होलू मेरी बात सुन, ऐसे वो बंदा हम पे यकीन तो करेगा नहीं, है ना? हम डायरेक्ट जाएंगे एंड डायरेक्ट वो मान जाएगा कि हाँ भाई तुम ही लोग असली लोग है ना। एक काम करते हैं, टाइम को करूंगा पहले मैं स्टॉप, और तू ना एक बार तो दूर है, तू तो क्योंकि बहुत अलग सा लगता है, तू अभी यहाँ पे मैं टाइम स्टॉप कर रहा हूँ और तू टाइम स्टॉप में स्टॉप ही रहेगा, ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही रहिए। देखो तो भाई ये कितनी ऑसम चीज है यार, ये मतलब टांग फैला के ही रुक चुका है यहाँ पे, क्या चीज है भाई ये, भाई गॉड की कसम यार। चलो गाइस एक काम करते हैं, आचार्य बड़े बुजुर्ग को ढूंढता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना? पता चले कि उसके पास इतनी नॉलेज है कि उसने हम पे हमला ही कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, है ना? एंड अभी गाइस मुझे अच्छे तरीके से हर एक घर को यहाँ पे छान मारना पड़ेगा अपने आचार्य जी को ढूंढने के लिए। हेलो 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 भाई साहब पता नहीं कहाँ पर है यार, ओ माय गॉड चेक दिस आउट, ये भी यहाँ पे बनी हवा में उड़ता उड़ता रुक चुका है यार, दिस इज सो अजीब यार। अबे यहाँ पे ये बंदा लिटरली यहाँ पे क्राउच करके रुक गया, व्हाट द हेल। ओके आई थिंक यही आचार्य जी मुझे लग रहे हैं ब्रो, आई मीन आचार्य जी देखिए मुझे पता है आप मुझ पे यकीन नहीं कर रहे, बट ये जो चीज मेरे मुंह के सामने है टाइम स्टॉपर, ये आई थिंक आज से 4-5 महीने पहले चोरी हो गया था। तो मैं किसी और यूनिवर्स से आया हूँ एंड मैं बस यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, मुझे इस टाइम स्टॉपर की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर यकीन करो, एंड आई थिंक आप यकीन करोगे जब मैं आपको ये चीज वापस दूंगा। तो आपने ना टाइम को अनस्टॉप कर देना अगर आपको मेरे पे यहाँ पर विश्वास होगा, ठीक है ना भाई? मैं फेंक रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज। ओके हेलो, क्या लिख रहा नीचे भाई? तू है कौन है मुझे बता, तू कौन है? मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा दूर से आऊ। अरे भाई स्टॉप कर दिया, मैं बहुत दूर से आऊ सच में? अरे नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग। मैंने एक तो आपको टाइम स्टॉपर वापस किया, मैं सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आया हूँ। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तुझे? मैं यहाँ पर टाइम स्टॉपर की और इस पूर्ण विराम जगह की एक ओवरऑल मतलब मुझे बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं एक्चुअली में बहुत दूर से आया हूँ। आपको टाइम लाइन्स के बारे में तो पता होगा, हमारे हिमलैंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे के सारे यूनिवर्सिटी जो टाइम लाइन है वो इस पूर्ण विराम यूनिवर्स से कंट्रोल होती है। तो मैं बस उन सभी को ठीक करने के लिए आया हूँ और कुछ लेना देना नहीं है मेरा यहाँ पे। प्लीज मेरे पे विश्वास करो, अदरवाइज मैं टाइम स्टॉपर लेके कभी वापस नहीं आता, मुझे बस मस्ती खोरी करनी होती। जिस चोर ने चोरी किया था वो सिर्फ उसे मस्ती खोरी करना चाहता था इसका। ओह थैंक यू सो मच, प्लीज 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 बाहर आइए प्लीज। मेरे एक दोस्त भी आया, उसे डरने की जरूरत नहीं है। होगलू वापस आता भाई, होगलू कहाँ है तू? आजा वापस एक बारी। आई थिंक आचार्य जी हमारी मदद करने के लिए तैयार है, हम सिर्फ उसे यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। डरने की जरूरत है, दोस्त है हमारा, ये हमारा दोस्त है, इसी ने हेल्प करके उस बंदे को। अबे तलवार हटा रहा हाथ से, क्या कर रहा है? तलवार हटा हाथ से, होगलू पागल है क्या तू? हाँ ये दे दो उसको, ये एक्चुअली है तो विलेजर। चलो जी बीट रूट सीड्स आपके लिए हम लोग लेकर आए एज गिफ्ट्स, एंड प्लीज हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए पूरी की पूरी पूर्ण विराम जगह की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ये। ऑल राइट गाइस, तो आचार्य जी से मेरी बात हो चुकी है, इन्होंने ना मुझे ना 3-4 चीजें बताई कि क्यों आज के टाइम पर ये किसी भी स्ट्रेंजर बंदे के ऊपर विश्वास नहीं करते, बट इन्होंने मेरे पे विश्वास किया गाइस बिकॉज मैं टाइम स्टॉपर वापस लेकर आया इनके पास, ये डिवाइस वापस लेकर आया, तो ईमानदारी देखकर इन्होंने हम पे विश्वास किया कि ये शायद से असली लाइक सही बंदे हो सकते हैं, तभी इन्होंने हमें पूरी खबर इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अदरवाइज पिछले कुछ टाइम में गाइस क्या हुआ, 4 महीने पहले वो जो बंदा था अभी क्या चैड नाम का बंदा, उसने ये चोरी किया था इनके पास टाइम स्टॉप, और ये बोले कि रिसेंटली अभी यहाँ पे 2 बंदे आए थे एंड उन दोनों के द्वारा बंदों ने इनके पास यहाँ पर इनका कैमल भी चोरी कर दिया और साथ ही साथ बेड रॉक भी चोरी कर दिया। उस बारे में तो मैं फिलहाल कोई टिप्पणी करने वाला हूँ नहीं हूँ। तो गाइस इन्होंने हमें बताया कि ये जो जगह है ना बेसिकली जिस तरीके से गाइस तुम लोग ये मान के चलो हर एक चीज की शुरुआत होती है उसको शून्य बोला जाता है। तो गाइस जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज है उन सब की जो शुरुआत है
लाइक जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है, पूर्ण विराम, दैट्स व्हाई जगह का नाम है। ये जगह शून्य है, तुम लोग ये मान के चल सकते हो। इसीलिए हमारे जितने भी यूनिवर्सिस है, मैंने उसको इनको बताया कि हम लोग हिमलैंड यूनिवर्स से आए हैं, तो इसने बोला कि हिमलैंड यूनिवर्स है उस टाइप के, और बहुत सारे इनफाइनाइट यूनिवर्सिस है हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, तो उसकी जो शुरुआत है वो इस पूर्ण विराम वाली जगह से हुई है गाइस। इसीलिए उन सारे के सारे यूनिवर्सिस की जो टाइम है उसको यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने गाइस मुझे बोला कि यहाँ पर जो पूर्ण विराम जगह है, इस जगह का भी टाइम यहाँ पे हिल चुका, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिस के टाइम लाइन्स ना इंटरसेक्ट हो चुके एक दूसरे के साथ। तो मैंने बताया भैया वो उनमें से एक यूनिवर्स हमारा हिमलैंड्स है, तो इन्होंने गाइस हमें बोला कि तुम लोगों को ये टाइम लाइन्स को ठीक करना ही पड़ेगा। एंड टाइम लाइन्स को ठीक करने के लिए गाइस इस पूर्ण विराम वाले यूनिवर्स के अंदर एक जगह है जिसका नाम है एंड ऑफ टाइम, जहाँ पर कोई भी टेरेन नहीं होगा, लाइक जहाँ पर अभी लोग चल रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा, वहां से आगे सिर्फ जब आकाश होने वाला है। तो इन्होंने मुझे बोला है कि तुम लोगों को वहां पर जाना पड़ेगा, और वहां से आगे जाने के बाद भी गाइस हम लोगों को एक पर्टिकुलर जगह ढूंढनी पड़ेगी। तुम लोग मान के चलो, सबसे पहले हम लोगों के पास जो टाइम स्टॉपर है ना, टाइम स्टॉपर की जगह एक टाइम डिसेलरेटर है, जो कि टाइम को स्लो करता है, और एक टाइम एक्सेलरेटर है जो टाइम को फास्ट करता है। ये तीनों के तीनों चीजें हमारे इन्वेंटरीज में होना बहुत जरूरी है, और अगर हमारे पास तीनों की तीनों चीजें होगी तो एंड ऑफ टाइम वाले जगह पे हम लोग लिटरली वॉइड के ऊपर चल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग वॉइड में नीचे करके मर जाएंगे, कोई नहीं जा सकता वहां से आगे। एंड इसने हमें बोला है कि उस पर्टिकुलर जगह तो कोई जा ही नहीं सकता, जो उस पर्टिकुलर जगह के क्रिएटर्स है ना, वो आज से लाइक हजारों साल पहले मर चुके हैं, और एक टाइम स्टॉपर है जो कि इस बुढ़ऊ के पास था जो कि चोरी हो गया था। एंड इसके अलावा जो टाइम एक्सेलरेटर है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके अलावा जो टाइम डिसेलरेटर है जो कि टाइम को स्लो करता है, उस चीज को ये तब भी यहाँ पे क्राफ्ट कर सकता है। लेकिन इसने बोला है कि भैया वो चीज, मतलब तुम लोग मान के चलो वो फिलहाल का इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई और अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा एंड ऑफ टाइम वाले जगह पे चलने के लिए। और भी गाइस उसके अलावा बहुत सारी चीजें इन्होंने हमें बताई आचार्य जी ने, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग वापस आएंगे अगर हमारे को कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होगी, तो अभी हम लोग निकलते, आ जाओ होगलू वापस चलते घर में और तू, बिकॉज गाइस अभी हम लोगों के पास इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हम लोग दोबारा से अपने दोस्तों के पास जा सकते हैं। एंड तुम लोग ये मान के चलो कि हम लोग उन लोगों ने भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो निकाली ही होगी ना भाई, तो जैसे तैसे करके हम लोग उस जगह तक पहुंच जाएंगे एंड ऑफ टाइम। हालांकि इन्होंने मुझे गाइस यहां पर बता दिया है कोऑर्डिनेट्स वगैरह, बट उस एंड ऑफ टाइम वाली जगह पे जाने के लिए हम लोगों को डिसेलरेटर भी चाहिए होगा और एक्सेलरेटर भी चाहिए होगा। यार हम लोग कैसे ही लेकर आएंगे उसको मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक बार एक काम करते अपने दोस्तों के पास चलते हैं। बाय द वे गाइस, जो ये इन्होंने बात की थी ना कि दो बंदे आए थे और उन दोनों बंदों ने लाइक कैमल चोरी कर दिए, वो चोरी कर दिए, तुम लोगों को क्या लगता है कौन होगी वो? मेरी गारंटी है वो यही दोनों ने, मेरे दोस्त होंगे, और कौन आएंगे तुम लोग मुझे बताओ? मेरे को शक है भाई, दो ही नल्ले काम कर सकते हैं वाला, एज योर ड्रीम भाई, गारंटीड। अभी पूछता हूं मैं दोनों के एक बार जरा जाके, अगर इस बुढ़ो को लग गया पता मैं उनका तीसरा दोस्त हूँ ना, इन्होंने मेरी हेल्प भी नहीं करनी थी, थैंक गॉड कि मैंने इनके यहाँ पर पकड़ा दिया टाइम स्टॉपर। होगलू जल्द जल्दी आ, फटाफट हम लोग वहां पर पहुंचते हैं। एंड गाइस एक और जो दिक्कत वाली बात यह है कि इन्होंने आचार्य जी ने मुझे बताया अभी भाई साहब हम लोग कैसे पूर्ण विराम वाली जगह पे पहुंचे, हालांकि कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहने वाले हैं, बट गाइस ये वर्ल्ड इतना ज्यादा यहाँ पे करप्ट हो चुका है कि यहाँ पे ना बार बार टेरेन चेंज होता है, कुछ घंटों के अंदर अभी ये स्नो बायोम है ना, ये डेजर्ट बायोम में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ टाइम में। मतलब ये वाला जो वर्ल्ड हमारा इतना ज्यादा अजीब हो चुका है, यहाँ की टाइमलाइंस की गड़बड़े भी हो चुकी हैं। और अब तुम लोग सोचो कि भैया अगर इन दादाजी को पता तो खुद ही पूर्ण विराम वाली लाइक उस टाइम स्टॉपर वाली जगह पर जाकर, एंड ऑफ टाइम वाली जगह पर जाकर इन्होंने खुद से क्यों नहीं किया भाई? तो भाई बात ऐसे है क्योंकि वहां से आगे जाना इम्पॉसिबल है, सिर्फ टाइम स्टॉपर के दम पे नहीं जा सकता, टाइम एक्सेलरेटर डिसेलरेटर तीनों चीजें चाहिए होगी हमको। और भी उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई है, बाय द वे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर बात कर रहे थे इन बुढ़ऊ जी के साथ, तो सारी की सारी बातें फिलहाल को ना काम की नहीं, इसलिए मैं तुम लोग को बता नहीं रहा हूँ। अपने दोस्तों के पास चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और अब उन दोनों से पूछते हैं कि उन दोनों ने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है, कुछ तो उन लोगों ने पता किया होगा। ऑलमोस्ट गाइस हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, आई थिंक इधर ही आ दिखे मेरे को। हेलो ड्रीम बॉय, हेलो हेलो एसियो, ओ माय गॉड, सदियों के बाद दोबारा से आप पता है कितने घंटों के बाद यहाँ पे पहुंचे हो? अरे भाई मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितना गंदे वाला एडवेंचर करके आ रहा हूँ अभी भाई साहब। ये तुम लोगों ने यहाँ पे 100% क्यों दिख रहा है ये? अच्छा जो ओ अभी तुम लोगों के सामने जस्ट अभी ये चीज आई, मैं तुम लोगों के कैसे बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कोई क्या एडवेंचर किया, तुम लोगों ने लाइक क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाले मुझे बताओ, हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे ना गड़बड़ हो रही है, टेरेन चेंज होती है। गड़बड़ छोड़ो, मैंने होगा लाला को देखा है मेरी आंखों के सामने। हाँ होगा लाला आगे इस वर्ल्ड में दोबारा से मेरी आंखों के सामने होगा लाला उछल रहा था। होगलू तो देखा था, कुत्ता बनाया जो अभी यहाँ पे भाई, होगलू मेरी डायरेक्शन में गया ही नहीं था, वो पक्का होगा लाला था, मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ भाई। ओह माय
गॉड, और क्या इन्फॉर्मेशन निकाली आपने इसके अलावा? अरे मेरी इन्फॉर्मेशन सुनो भाई, मुझे इतना सब कुछ मिला है राज भाई, पागल हो जाओगे सुन के इतने सारे। अरे भाई मेरी बात सुनो, जो उससे सबसे तगड़ी चीज मैं बताता हूँ कि मुझे क्या दिखा है टाइम स्पीड 100% क्या है ये पता है। एक काम करो तुम तीनों, उछलना स्टार्ट करो हवा में, उछलो 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 भाई। अरे परे भागो, अरे परे भागो, अरे परे भागो, अरे परे भागो, ले भाग के दिखा, अरे परे ब्रो, दिस इज अ टाइम स्टॉपर, मैं लिटरली तुम लोगों का टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ, कैन यू गाइस बिलीव दिस? व्हाट, आप इसको ठीक कर सकते हो वापस से? अरे ठीक भी कर सकते हैं, लो यार भाई जी, कभी भी मैं तुम लोगों को रोक सकता हूँ। ये माल कहाँ से मिला भाई? है ना एकदम क्रेजी चीज ये भाई, ये तो बहुत कड़ा माल है यार। मैं तुम लोग भाई ये गलत गलत बंदे के हाथ में लगना नहीं चाहिए भाई ये चीज। अरे भाई गलत बंदों के हाथ में था, कैसे कैसे करके मैंने यहाँ पर एडवेंचर करके निकाला इस चीज को। एंड गाइस यही तो मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस देखो इतना राज तो मैंने पता कर दिया है, ये जो पूर्णमेरा वाली जगह है ना, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है एंड ऑफ टाइम। उस एंड ऑफ टाइम वाली जगह पर हम लोगों को जाना है, हम चारों को जाना है। एंड वहां से आगे जाने के लिए हम लोगों को बाय द वे तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक टाइम स्टॉपर की, एक टाइम डिसेलेरेटर लाइक जो टाइम को स्लो करता है, और एक टाइम एक्सेलेरेटर। एक्सेलेरेटर तो यहाँ पे टूट चुका है, ठीक है ना, दैट्स वाई हम लोग शायद से हो सकता है कभी भी इस मिशन को पार करना पाए, बट कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। बट उसके अलावा उसने मुझे बोला था कि लाइक टाइम जो ये डिसेलेरेटर है जैक, जो कि हमारे टाइम को स्टॉप कर सकता है, वो चीज भी यहाँ पे चोरी हो चुकी है, जिसका भी पता करना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग पूरे तरीके समझ में चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एक वर्ल्ड के अंदर दूसरा वर्ल्ड आया कहाँ से भाई, ये क्या उपग्रह है? नहीं, 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 पूर्ण विराम इस वर्ल्ड का नाम है, उस वर्ल्ड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है एंड ऑफ टाइम, जहां पर ये सारी टेरेन सारे ब्लॉक्स गायब हो जाएंगे और वहां पे लिटरली वॉइड है, सिर्फ और सिर्फ वॉइड। और वहां से आगे हम लोगों को जाकर मिशन पार करना था, जहाँ पे टाइम कंट्रोल होता है सारे के सारे यूनिवर्सेस का, समझ रहे हो तुम लोग? भाई अगर वहाँ पे वॉइड है तो हम चलेंगे कैसे और वहाँ पहुँचेंगे कैसे? अरे पहुँच गए तो छोड़ो भाई, वहाँ पे पहुँचेंगे तो मर नहीं जाएंगे वॉइड के अंदर गिर के? अरे वही तो बात है गाइस, देखो टाइम स्टॉपर है ना जो ये चीज ना मेरे पास, ये एक है, एक टाइम डिसेलेरेटर जो मैंने बोला, एक टाइम एक्सेलेरेटर। अगर ये तीनों की तीनों चीजें हमारे पास होगी तो हम लोग उस वॉइड पे भी चल सकते हैं, बिकॉज जो क्रिएटर्स थे ना, देखो जो ये टाइम कंट्रोल वाली जगह है, तुम लोग ये मान के चलो आप अगर जो टाइम को कंट्रोल कर सकते हो हाँ। तो आप एक स्टेशन बनाओगे राइट। अब उस स्टेशन को आप ऐसे हर कहीं थोड़ी बना दोगे, किसी ऐसी जगह बनाओगे जो कि लोगों की रीच से बाहर होगा राइट। तो वो रीच से बाहर तो है, ये वॉइड पे बना हुआ है, बट उस जगह तक पहुंचने के लिए हमारे इन्वेंटरी में तीन चीजों की जरूरत है जो कि टाइम को कंट्रोल करती है। पहला टाइम ये स्टॉपर, एक डिसेलेरेटर, एक एक्सेलेरेटर, ये तीन चीजें की जरूरत थी हम लोगों को। मुझे ये तो समझ में आ गया, आपके हाथ में है वो टाइम को स्टॉप करता है, उसका नाम है स्टॉपर। जो आपने बोला एक्सेलेरेटर, वो ऑब्वियसली टाइम को आगे करता होगा या फिर कुछ करता होगा। और फिर एक आपने बोला डिस, अरे ये डिसेलेरेटर क्या है, जो क्या काम करता है भाई? देखो ये जैसे एक स्टॉप कर रहा है, एक फास्ट कर रहा है, ये ना टाइम को स्लो कर लेता है और हल्का सा शायद रिवर्स में भी कर लेता है, कुछ ऐसा बताया था उसने मेरे को। भाई साहब फिर मेरे को मेरा तुम लोग सुन नहीं रहते ना इतने टाइम से भाई, क्या मेरे साथ यही तो हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अरे क्या देखो भाई क्या? अरे तुम देखो भाई, ये देखो भाई मेरे साथ क्या हुआ है। रात से सुबह हो गई, अभी तक कुछ भी नहीं है यार, ये पूरा सुनसान पड़ा पड़ा है यार। ओके नो, ये सुनसान नहीं पड़ा गया है, ओके मेरे को ये बहुत ही ज्यादा ऑसम भरा उभरा लग रहा है। और अभी आई थिंक सो तुम लोगों को पता है क्या होने वाला है, आपका पब्लिक को क्या पता है क्या होने वाला है, एक गुल्लू कसा कर। एक मिनट छुप के चलते है, मे बी एक मिनट, ये क्या है भाई यहाँ पे कोई तो भाग रहा है, वेट अ सेकंड, यहाँ पे ये गुल्लू तो नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये टाइमलाइन नहीं है, एक यूनिवर्स कोई तो अलग सा है, सो मे बी यहाँ पे गुल्लू सुरेश को मारता होगा, सुरेश गुल्लू को नहीं मारता होगा, या फिर गुल्लू का सुरेश के बच्चे एक दूसरे को मारते होंगे, आई एम नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एक मिनट मुझे कोई देखे ना, नहीं तो मेरे ऊपर हल्ला करे भाई। वो बंदा
रेड टी शर्ट वाला बंदा कर क्या रहा है भाई वहाँ पे? ये नॉर्मल इंसान लग रहा है यार मुझे। यार मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि पूर्णम या राम के लोग बहुत ज्यादा अजीब होंगे, पर ये नॉर्मल बंदा ही है। बात करो क्या इसके साथ? पता नहीं है, रोमन भी मन बातें करते थे ना एक में। पहले देखते हैं इसकी हरकतें क्या है, उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर अटैक करेंगे या इसके साथ बात करेंगे। क्या कर क्या रहा है ये बंदा? किसी का तो इंतजार कर रहा है। आई डोंट नो, ये मेरा तो इंतजार नहीं कर रहा है, तो मेरी तरफ देखते रहता। अरे दादा, अरे एक मिनट, ओ शिट, ये क्या आ रही है भाई पीछे से इसके? भाई ये मरेगा, ये जहर फेंकती है, ये जहर। अरे हैरी पॉटर के चाचा ने अटैक कर दिया भाई इसके ऊपर। अरे भाई साहब, ये हैरी पॉटर का चाचा। अरे भाई ये स्लिदरिन का भाई, ये पेट रहा है उसको। भाई मुझे भी इस प्लेयर की मदद करनी चाहिए। नहीं, मुझे पता भी नहीं है प्लेयर है नहीं यार, इस यूनिवर्स का कुछ अलग ही लोचा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे मुझे लगा था यहाँ पे गुल्लो है सुरेश लड़ेंगे, पर यहाँ पे कुछ अलग ही चीजें हो रही है। यार मैं इस प्लेयर की मदद कर दूं, मे बी ये मुझे कुछ हिंट वगैरह दे देगा, कुछ राज बता देगा मे बी। आई एम नॉट श्योर, पर ये भागे ही जा रहा। ओ शिट, ओ भाई साहब, उसने लिटरली प्लेयर को फ्रीज कर दिया भाई। माँ कसम, उसने पोशन भी नहीं फेंका, उसने डायरेक्टली उसको स्लोनेस वाला नॉनसेंस चीज किया। इसने शायद टाइम को कुछ तो मैनिपुलेट किया है, मे बी ये टाइम को कंट्रोल कर सकता है। आई एम नॉट श्योर। ओ ये रिवर्स कर रहा है उसको, क्या कर रहा है? ओ शिट भाई साहब, बंदा टाइम को कंट्रोल कर सकता है भाई, वो लिटरली रिवर्स कर रहा है बंदे को। मैं भी एग्जैक्टली रिवर्स में क्यों जा रहा है भाई, भाड़ में जाइए लोग भाई, यही राज है भाई, हमारे जीवन में यही होता है भाई, हमारे साथ यही टिप्पणी है, मैं यही बताने वाला हूँ, यही हम लोग को पता चला है भाई, पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लियरली देखा है। उसने वो लिटरली पीछे गया, तुम लोगों ने देखा ना, वो रिवर्स में जा रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, टाइम ट्रैवल नहीं बोल सकते इसको, वो टाइम कंट्रोल कर सकता है, वो जो विच है हैरी पॉटर की चाची। लेट्स गो, ये बताना पड़ेगा मुझे ड्रीम बॉय को, स्मार्टी को। लेट्स गो मैन। देखा बेटा, मेरा कोई सुन नहीं रहा था, देखा आपने? ये तो बहुत सीरियसली गाइस, भाई टाइम को रिवर्स कर रहा है भाई और मर्डर बीटर कर रहा है। सुनो मेरी बात गाइस, मैं तुम लोगों को बताया था ना उस बुजुर्ग, रुका अभी तुम दोनों की मैं खबर लूंगा, चलते चलते चलो जो लेके चलो किस डायरेक्शन में था वो। गाइस अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था बुजुर्ग अंकल ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई थी, उनमें से एक चीज मुझे बुजुर्ग अंकल ने पता क्या बताई थी, जो कि कंप्लीटली यूजलेस थी, टाइम वेस्ट थी, बट अब वो टाइम वेस्ट नहीं है। बुजुर्ग अंकल ने मुझे बताया था, आचार्य जी ने मुझे बताया था कि अगर हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी एक ऐसे बंदे को पकड़ ले जो कि टाइम को स्लो कर सकता है, तो भैया उसको मार कर अगर उसके इन्वेंट्री से हम लोग कोई भी एक चीज लेकर आए ना बुजुर्ग आचार्य जी के पास, तो वो टाइम डिसेलरेटर का एक वो बना सकता है, क्या बोलेंगे, एक चाइना वाली कॉपी बना सकता है, जो कि होगी चाइनीज कॉपी पर काम करेगा पूरा का पूरा सेम डिसेलरेटर का। एसजीएस से करके हमारा मिशन पार हो सकता है, उस चुड़ैल को फटाफट पकड़ के पेलते हैं ना भाई। भाई बात तो सही है, लेजिट टैलेंटेड लग रहा है भाई आपका। अरे भाई बाय द वे आचार्य वही बुड्ढा है जिसके जिसका तुम लोगों ने स्कैम किया कैमल वाला, तुमने किया था, मैंने बस गेस किया ये पहुंच गए ऑलमोस्ट वहां पे। पर हां एक मिनट, अब आचार्य कौन बोल रहे हो भाई ये? अरे आपको पता हमने स्कैम किया है कैमल का? उसी बुड्ढे ने मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। अरे भाई ड्रीम बॉय, ये दादाजी है, कितना वो तो मैं भाई। तुम लोगों ने जो स्कैम किया ना उसका पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है वो, उसने दिया है मुझे टाइम स्टॉपर सारी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से उसको मार के तुम लोग साथ में था ना, वरना यहाँ पे बैंड बजा देगा वो, ठीक है ना भाई? अरे भाई डूड स्मार्टी, हाँ स्मार्टी, वो बंदे का हमने को बहुत चिढ़ा है भाई, हमने उसको तो हमने खूनी घोषित कर दिया था कुछ टाइम के लिए। अरे उसकी तो बेडरॉक भी है हमारे पास, उसकी बेडरॉक चुरा ली हमने। ओ माय गॉड भाई, तुम लोग कितने दरिंदे लोग हो यार। एक काम करते कुत्ते, तू एक काम कर, तू थोड़ा सा दूर जा, पीछे के लिए ध्यान रखे, कोई पीछे से ना आए, ठीक है ना? जा बैक जा, ठीक है ना होगलू? तेरा काम से वही होने वाला, हम तीनों आगे जाएंगे उसको पेलने के लिए। चलो गाइस आ जाओ। ऐसे कहां पर दिखे थे आपको चुड़ैल, मुझे बताओ जल्दी यहाँ पे। एग्जैक्टली सामने, एग्जैक्टली घर के आराम से चलना, वो टाइम को स्लो वगैरह कर सकती है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसी हरकत करी टाइम स्टॉप करके मार दूंगा उसको, ठीक है ना? टेंशन लेने की जरूरत है, तुम्हारा भाई साथ है, तुम्हारा भाई साथ है, उसको मार के स्लो कर सकती है और रिवर्स भी कर लेती है। राइट साइड आप देखोगे ऐसे हो, लेफ्ट साइड आप देखो, कहीं से भी हम पे हमला हो सकता है। What the hell? क्या क्या ऐसे आप मेरे रेंज से बाहर जा रहे, मेरे पास देखो, मेरे को दिखो, मेरे को हमारे ऊपर वो वाले पोशन्स फेंक रही है, ये वही चुड़ैल है, आई थिंक सो ये वही चुड़ैल है। स्मार्टी भाई ऐसे तो मर जाएंगे हम, ये देखो पोशन पे पोशन लगा रहे हैं, ऊपर से फेंक रही है गाइस, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड है, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड है भाई, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे गाइस, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे ब्रो, खालो 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 खालो। अरे यार मेरी स्पेस हो गई है,
मेरी स्पीड स्लो हो गई है। नीचे नीचे देखो लिखा है 25% हो गया भाई स्पीड। अजय मेरे सामने चलो दिस इज सो क्रेजी डूड, आप स्लो मोशन में चल रहे हो मेरे सामने। क्यों हो रहा है? खाना खाओ खाना खाओ, किसी के पास कुछ आईडिया है? खाना खाओ खाना खाओ खाने का आईडिया है बाद में मिला दो। ब्रो मैं स्लो मोशन में चल रहा हूं मां कसम, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कुछ फिर मेरे को समझ नहीं। बाप रे ये क्या हो रहा है भाई, मैट्रिक्स में ग्लिच ऐसे। मुझे तो आपकी आवाज स्लो मोशन में कुछ, आप तो स्लो मोशन में चल रहे हो मेरे सामने मम्मी कसम से। अरे तो आप मुझे लग रहा है मैं चांद पर पहुंच गया भाई। मुझे फ्लैश बनना है। नहीं 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 नहीं, धमाका मत कर, धमाका मत करिए, हम मर जाएंगे सारे। क्या कर रहे हो? मत मत मत, हां हवा फेंक दो, हवा फेंक दो। क्या पता उसको लग जाए, क्या पता उसको लग जाए। छुड़े इसने हमारी स्पीड बहुत स्लो कर दी है। दिमाग चलाओ, रुक जाओ, स्लो स्टॉप कर दो टाइम पूरा का पूरा। अरे स्टॉप करके क्या फायदा होगा, हमको स्लो किया हुआ इसने। अरे हमको स्लो किया हुआ पर वो एक जगह पे रुक जाएगा, ये हरकतें तो नहीं करेगा, जहर फेंक रहा है भाई। अरे एसजीओ वो रुक जाएगा, दिखेगा नहीं, ब्लाइंडनेस लगा, ब्लाइंडनेस हटने दो, मैं हटा दूंगा। मैं रोक ही देता एक बार, रुको एक बार टाइम को स्टॉप करिए। रुको 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 रुको, एक बार मैं टाइम को स्टॉप करिए। अब देखो तुम दोनों यहां पे स्टॉप हो चुके हो, तुम दोनों स्टॉप हो चुके हो और वो भी स्टॉप हो चुकी है, पर मैं यहां पे स्लो मोशन में जा रहा हूं भाई, मर जाएंगे। रुको एक बार, इसके ऊपर नॉर्मल रखते, एक बार ब्लाइंडनेस जाने दो, एक ना एक बार हटाएगी जरूर इस चीज को, फिर मारेंगे इसको। ओके गाइस हमारी स्पीड 25% हो चुकी है एक बार, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बस वेट करते हैं ब्लाइंडनेस हटने का, तुम लोग बस थोड़ा वेट करो, मेरे पास बहुत ओपी आइडिया है, लिटरली बोल रहा हूं चालू। हमारी स्पीड 25% करके ना हमारे को किसी भी काम का नहीं रखा इसने, लिटरली ये बहुत ज्यादा चालू है भाई, गॉड की कसम। ऊपर कमीना, एक बार हमारी स्पीड नॉर्मल हो जाए फिर बताऊंगा मैं इसको यहाँ पे। भाई मैंने तो उसके ऊपर एम ही ले लिया है। स्मार्टी भाई स्टॉप कर दो ना टाइम। नहीं 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 स्टॉप नहीं, थोड़ा सा टाइम और हमारी स्पीड नॉर्मल होने वाली है। मारो उसको, मेरा ट्राइडेंट है। बहुत बढ़िया है, आप स्लो मोशन मारते रहो उसको, हो जाएगा कम ऑन मारो इसको। टाइम बढ़िया, मैंने स्टॉप कर दिया टाइम, मैंने टाइम स्टॉप कर दिया 100% हो चुका है। तुम तरह का देखो भाई, मैं ऊपर देख रहा हूं यार। ओ माय गॉड चुड़ैल, अब तू कहीं मेरे हाथ से, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। स्मार्टी उसको मारने से पहले मेरे को गॉगल दे दो भाई, सूरज की तरफ देख रहा हूँ मैं। व्हाट, अंधा हो जाऊंगा मैं से ऊपर देखते हुए। इसको छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल, अब तू मरने वाली है, ठीक है ना बेटा। आजा मेरी भाई, इसको मार दो, खत्म कर दो, डी कर दो। बड़ी भारी यहाँ पे तू हमारा टाइम स्टॉप करेगी तू, है ना? खत्म होने वाला भाई, तू हमारा टाइम स्टॉप करेगी। मैंने टाइम देख रहे थे शर्म नहीं आ रही? शर्म आ रही है, शर्म आ रही थोड़ी है पकौड़ी गाया खत्म भाई साहब। माय इसको इन्वेंटर दिख रही क्या? आई थिंक इसकी इन्वेंटरी गिरेगी जब मैं यहाँ पे टाइम को वो करूंगा। गाय चेक करो तो एक बारी गिरा सॉरी ब्रो एरो पड़ा तो मेरे पोशन और फार्मिंग मिला, कुछ नीचे गिरा है क्या गाइस? देखो चल जल्दी। नहीं नीचे कुछ भी नहीं है भाई, फूल गिरा है। नाइस ब्रो, मैं नीचे गिर गया, बच गया भाई। मैं टाइम वैसे स्टॉप कर सकता रहा बट कोई बात नहीं, फिलहाल फूल, लेट्स गो। अब गाइस इस पर्टिकुलर चीज की हेल्प से वो जो बुजुर्ग अंकल है ना, वो देखो स्प्लैश पोशन और फार्मिंग भी मिला और ऐसे मुझे वो फूल भी पकड़ाओ, अपने पास रखता हूँ उसको, मुझे पकड़ाओ जल्दी ये वाला फूल। ये दो चीजें हमको मिली है चुड़ैल की इन्वेंटरी के अंदर से, एंड अब इसकी हेल्प से वो बुजुर्ग बनाएगा हमारे लिए डीसेलरेटर, जिसका इस्तेमाल बाय द वे ये कर रही थी। आई डोंट नो कि ये किसी यंत्र का इस्तेमाल करी थी या फिर खुद से लाइक किसी स्पेल का इस्तेमाल करी थी। वो बुजुर्ग का नाम दादाजी रखा है भैया हमने, वो जो दादाजी है उसका नाम आचार्य है बेसिकली। तो वो जो आचार्य जी है ना, वो अभी यहाँ पर ऐसे क्या करेगा, इसकी इन्वेंटरी से छूटी हुई चीज से एक डीसेलरेटर बनाएगा। मुझे चुड़ैल की आवाज अभी तक सुनाई दे रही है भाई, अभी भी आ रहे भाई, गूंज रही है उसकी आवाज हमारे दिमाग में। इसकी आत्मा ना हमारे आसपास घूम रही है भाई, निकल ले इसकी आत्मा। सच में ही आसपास, चलो यार ड्रीम बॉय नींबू लगा दो भाई। अरे मिर्ची आप ले आना। हाँ तो मिर्ची है भी वैसे, और आपके पास नींबू भी है। अरे पर वो करेगा कैसे, ये तो सादा फूल लग रहा है यार। अरे देखो एसजीओ, उसने बस मुझे ये बोला था कि अगर कोई, देखो डीसेलरेटर मैंने आपको बताया किस तरीके से वो
मतलब ब्रेक की तरह काम करता है। एक्सीलरेटर तो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, पर डीसेलरेटर वाली चीज है अगर कोई यूज कर सकता है, लाइक जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, उसको मार के उसकी इन्वेंट्री से कुछ भी छूटेगा तो वो दोबारा से डीसेलरेटर का ओरिजिनल वर्जन तो नहीं बना सकता, ऑफ कोर्स ओरिजिनल तो खत्म हो चुका है, बट उसका चाइना कॉपी बना सकता है, चाइना माल बना सकता है। एग्जैक्टली, तो वो यही जो कि एग्जैक्ट सेम काम करेगा, तो एटलीस्ट डीसेलरेटर तो आ जाए, एक्सीलरेटर का देख लेंगे, उससे पूछ देंगे, क्या पता कुछ जुगाड़ कर दे वो, है ना। तो यार हमें आप लेके जा रहे हो, माना हमने, पर भाई नहीं नहीं आप दोनों उसके सामने नहीं आओगे, वही तो बात है, कुछ नहीं देगा, तभी तो मैंने आपसे कॉपी लिया वापस से। आपको पता है अगर हम उसके सामने आ गए ना भाई, तो वो हमारा खून पी लेगा, ऐसे पीछे पड़ जाएगा हमारे, क्योंकि हमने कहानी उसके साथ ऐसे करी है। यार कैमल चोरी कौन करता है, कैमल का चोरी भाई, कैमल चोरी करना नहीं था यार, उसको हम लोगों से बेडरॉक देना नहीं था, ये था लॉजिक। हम लोग वैसे पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंचने के वाले अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1200-1300 ब्लॉक है, मतलब 4 से 5 मिनट लेंगे वहाँ पहुंचने के लिए फटाफट। अरे ये क्या, ये ही तो है वो, ये वही जगह पक्का। हाँ ये ऐसे ही होता है, आपको पता नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर यही होता है, विलेजेस चेंज हो जाते हैं, बायोम्स, बायोम्स चेंज हो रही है जो। ओ वही ना भाई, एक बात सोचो, आप खुद एक बात सोचो, कल आप सो के उठो और आपके घर के सामने एक पूरा का पूरा ओशन आ जाए, तो ऐसे ही लोगों के साथ होता है भाई, इनका विलेज कहीं भी कोई भी बायोम में पहुंच जाता है कभी भी। तो ये वाला विलेज तो नहीं उस बुढ़ऊ का, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे छुप रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पिट बना के रखते हैं, आप लोग वहीं रहो, बस मैं आता हूं एक बार। ओके यार, यही वाला विलेज है कि नहीं, मुझे एक बार बस यही चेक करना है, इतना सारा कैसे चेंज हो सकता है यार, पूरा का पूरा ये वाला विलेज हमारा वो वाला था, फिर तो लाइक स्नो ही बायोम वाला था, एकदम से डेजर्ट वाला, ये वही वाला विलेज है। हेलो हेलो आचार्य जी, हेलो इट्स मी बाय द वे टाइम स्टॉपर वाला बंदा, ओके ये देखो मेरे पास टाइम स्टॉपर है। मैं एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, थ्रॉम्बिस थोड़ा साइड में, एक बार मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी और फालतू का बंदा इस चीज को सुने, एंड देन फिर सीन हो जा रही। आचार्य जी जल्दी आओ साइड में यार, आपको मैं बस एक चीज पूछने के लिए आया दोबारा से वापस। आपने मुझे इससे पहले बताया था ना कि इस वर्ल्ड का जो वो टाइम एक्सेलरेटर है वो तो टूट चुका है, पर डीसेलरेटर आप दोबारा से बना सकते हो अगर कोई भी बंदा इस टाइप की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होगा, लाइक दूसरे के टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए, तो आप उसको बना सकते हो। भैया मुझे इससे पहले एक चुड़ैल मिली, उसकी इन्वेंट्री से मैं 2 चीजें लेकर आया हूं, स्प्लैश पोशन और एक ये वाला पॉपी, क्या आप इसकी हेल्प से बना सकते हो आप इसको? आर यू सीरियस ब्रो? मुझे पूरी बात बताओ, लाइक अब क्या क्या कर सकते हो, कैसे मतलब सब कुछ जानना है मेरे को इसके बारे में। ऑल राइट गाइस, तो आचार्य जिसे मेरी बात हुई है, इन्होंने मेरे को बोला है कि ये यहाँ पे डीसेलरेटर बना सकते हैं, बट क्योंकि मैं यहाँ पे 2 चीजें लेकर आया हूँ तो ये वो एक्सेलरेटर बनाने की कोशिश भी करेंगे, बट उसमें ना बहुत ज्यादा कमियां होने वाली है, वो 100% सेम तो काम नहीं करेगा, बट इसकी हेल्प से हम लोग एक्चुअली में उस टाइम स्टॉप वाली जगह पे जा सकते हैं, लाइक क्या बोलेंगे उसको, एंड ऑफ टाइम वाली जगह पे जा सकते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला है कि ये एक बार ट्राई करेगा अपने पूरे तरीके से, लाइक जितना 100% ट्राई कर सकता है, तो वी जस्ट हैव टू वेट फॉर हिम। और बाद में मैंने इनको बिल्कुल नहीं बताया कि वो 2 दरिंदे मेरे दोस्त है और वो बाहर वेट करे विलेज से, वरना इसने अभी बाय द वे हमारी बात हो रही थी तो बात करते करते दुखी हो गया, अपने कैमल के बारे में सोच रहा है, भैया मेरा कैमल वापस नहीं आ रहा है। मैं बोलूंगा एसजी और ड्रीम बॉय को कि भैया इनका कैमल वापस कर दो यार, अगर कर सकते हो तो, बिकॉज ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। एक काम करते गाइस, इनका वेट करते जरा फटाफट। ओ ओ अच्छा, व्हाट द हेल, इसके हाथ में देखो, ओ माय गॉड, ये सेम ही दिख रहा है, फेंको जरा भाई इसको, प्लीज प्लीज प्लीज, ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड, वेट ये क्या है, डीसेलरेटर और दूसरा वाला क्या है, एक्सेलरेटर है क्या ये, काम करता है क्या ये भाई पक्का, मैं एक बार इसका इस्तेमाल करके देखूं। ओह माय गॉड स्पीड देखो 200 हो चुका, मेरी स्पीड बढ़ गई एक्चुअली में, इट इज वर्किंग। ये क्या लिख रहा नीचे, 2 सेकंड, रुको मैं रुक रहा हूं, मैं इसकी स्पीड कम कर रहा हूं, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मुझे बताओ। ऑल राइट गाइस, तो आचार्य जी ने मुझे बोला है कि जो डीसेलरेटर है और जो एक्सेलरेटर है चाइना वाला माल बनाया, मतलब जो ओरिजिनल कॉपी है उसका अलग चाइनीज वर्जन बनाया हुआ इन्होंने, तो ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ओके सॉरी, मैं खुशी के मारे इसका इस्तेमाल लग गया था करने, बट काम तो ये करता है ना एटलीस्ट, थैंक यू। देखो हमारे पास टाइम स्टॉपर है, ये ओरिजिनल है, तो इसका मैं इनफिनिट टाइम इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके थैंक यू सो मच, मैं फटाफट यहाँ जा रहा हूँ और इस मिशन को भी कंप्लीट करके आऊंगा, थैंक यू सो मच। वेट क्या लिख रहा है नीचे, रुक जा 2 सेकंड, कुछ बात करनी, ओके ठीक है, सॉरी, क्या बात करनी, जल्दी बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बस जल्दी निकलना है यहाँ से भाई, जल्दी निकलना है मुझे। ऑल राइट गाइस, भाई मैं तो निकल गया था ऐसे बेवकूफों की तरह, इन्होंने मुझे अभी जाके पूरी इन्फॉर्मेशन दी है एग्जैक्टली कि करना क्या है। ओह माय गॉड थैंक यू सो मच, एंड बाय द वे गाइस सारी बातें मैं तुम लोगों को रास्ते में बताता हूँ, थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने यार
मदद कर दी। गाइस अब देखो, इन्होंने मुझे बताया कि एंड ऑफ टाइम वाली जो जगह है उसके कोऑर्डिनेट्स तो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग पहुंच भी जाएंगे, लेकिन जब हम लोग वॉइड के ऊपर चल रहे होंगे हमारी इन्वेंट्री पे ये तीनों की तीनों चीजें होनी चाहिए। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग में भी जाएंगे, लाइक 4 से 5 लोग भी जाते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री पे ये तीनों की तीनों चीजें होनी चाहिए। एंड हम लोगों को ना एक दूसरे की रेंज से, लाइक तुम लोग ये मान के चलो हम लोगों को ऑलमोस्ट एक दूसरे से कम 50 ब्लॉक की रेंज तक चलना पड़ेगा। एंड हमारी इन्वेंटरी पे तो सारे के सारे लोग हम लोग वॉइड के ऊपर चल पाएंगे इन चीजों की हेल्प से। तो तुम लोग गाइस ये मान के चल लो, जब हम लोग यहाँ पे एंड ऑफ टाइम वाले जगह पर जाएंगे ना, तो जब हम लोग वॉइड के ऊपर चलेंगे तो हम लोगों को डायरेक्शंस का पता नहीं चलेगा। तो हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाकर वो जगह को ढूंढना है जहां पर हम लोगों को फाइनल मिशन अपना करना। बाय द वे गाइस, हम लोगों को फाइनल, एक सेकंड रुको, मैं अपने दोस्तों के पास चलता हूं ना भाई, इन लोगों के साथ तुम लोगों को बताता हूं। यू बॉयज 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 भारो भारो गड्ढे से भारो। अरे भाई मार रहा है जल्दी हो साइड में। क्या हुआ, क्या पता चला आपको? अरे भाई बहुत कुछ चल गया पता, जल्दी साइड में आप दोनों एक बारी। अरे स्मार्टी भाई मिला क्या, वो मिला क्या? अरे भाई मेरे को बहुत औसम चीजें मिली, जल्दी हो साइड में बुढ़ा, तुम लोगों को देखना ले जी, तो बड़े तेज निकले भाई। मैं तुम लोगों को गाइस अभी यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ देखो, अरे मैं तुम लोगों को डायरेक्ट डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। वायदा मेरे पास चाइनीज कॉपी है तो ज्यादा इसका इस्तेमाल हम लोग कर नहीं सकते, बट चल भैया जो चलो जरा हमारा स्पीड नहीं बढ़ा है ना, ये हमारा बेसिकली टाइम बढ़ गया है। टाइम की स्पीड बढ़ गई। आप चलो जरा एक बारी, ये देखो तुम दोनों चल रहे हो मेरे मुंह के सामने। एक सेकंड रुको रुको, अगर यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है तो हम बूढ़े भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। अरे बूढ़े हो जाएंगे हमारा, एक्चुअली में सब कुछ चेंज हो रहा है, इसीलिए अब इसका इस्तेमाल हम लोग गाइस डायरेक्ट नॉर्मल वे से कर सकते हैं। मैं तुम लोग बताया था ना कि एक्सीलरेटर लाइक टूट वगैरह चुका है, अभी बुजुर्ग अंकल ने क्या किया एक्सीलरेटर भी बना दे, बिकॉज मैंने उसको दो इन्वेंटरी में चीजें दी थी है ना वाली, दोनों की हेल्प से एक डिसेलरेटर बनाया, एक एक्सीलरेटर बनाया। तो इसके इस्तेमाल से अभी हम लोग वहाँ पे एंड ऑफ टाइम वाली जगह पे जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स इन्होंने मुझे बता दिए, पर एक दिक्कत है वहाँ पर गाइस, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ऐसे जा नहीं पाएंगे। वो जो वॉइड है ना, तुम लोग ये मान के चलो उस वॉइड के ऊपर हम लोग चल के तो जा सकते हैं, लेकिन वो वॉइड इतना ज्यादा खतरनाक है कि हम लोगों को, तुम लोग ये मान के चलो गाइस तुम लोग वॉइड के ऊपर चल रहे हो, तुम लोगों को डायरेक्शन का कैसे चलेगा बताओ, बताओ मुझे हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना, तुम्हें क्या पता चलेगा। तो भैया तो सही है, तो तुम लोग ये मान के चलो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही तगड़े वाला सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था गाइस, जिन लोगों ने भी पूर्ण विराम वाली जगह पे सारे यूनिवर्सिटीज के टाइम को मैनेज करने वाला सिस्टम बनाया ना, उन लोगों ने बहुत ही तगड़ा वाला सिस्टम बनाया था। लेकिन अब कहीं वो लोग खुद उस डायरेक्शन को भूल ना जाए, इसलिए उन्होंने उस चीज का हिंट एक पहेली के अंदर दिया हुआ है। अगर हम लोगों ने उस पहेली को सॉल्व कर दिया ना गाइज, तो हम लोग एग्जैक्टली जब वॉइड के ऊपर चल रहे हैं हम लोग उस डायरेक्शन को पकड़ पाएंगे, एंड देन हम लोग उस जगह पे पहुंचेंगे। एंड बाय द वे इन्होंने हमें बोला है फाइनल वाली जगह पर पहुंचने से पहले हम लोगों को ना कुछ मिशन पार करने पड़ेंगे, जहां पे टाइम डिसेलरेटर स्टॉपर और एक्सेलरेटर इन तीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड बाय द वे हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस मिशन में टाइम स्टॉपर का इस्तेमाल करना है उसमें सिर्फ टाइम स्टॉपर का ही इस्तेमाल हो। अगर वहां पे हम लोगों ने टाइम डिसेलरेट करके लाइक टाइम को स्लो करके मिशन पार करने की कोशिश करी तो हम लोग लिटरली वॉइड में करके मर जाएंगे, समझो तुम लोग। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उस फाइनल जगह तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, इन लोगों ने यहाँ पर बताया हुआ भाई। सारी चीजें ना एक बंदे के पास ही देके रखते हैं, मतलब वो एक टाइम पे एक ही चीज यूज कर पाएगा। एग्जैक्टली फिलहाल को यहाँ पे हम लोगों ने एक ही बंदे को देकर रखना पड़ेगा ये सारा कुछ, जो कि मैं ही रखता हूँ अपने पास, ठीक है ना। लालची तो है बंदा। स्माइटी भाई देखो, मेरे को बाकी सब तो समझ आ गया वॉइड वॉइड वाला, बट एक बात तो बताओ पहेली क्या है भाई, रस्ते में पहेली सॉल्व कर लेते हैं बेस्ट। अच्छा, अरे पहले तो यार ये दिखाओ ना यार मेरे को रिवर्स राइम वाला, मेरे को दो ना ये, मैं संभाल के रखूंगा पक्का। अरे जियो मेरे पास रहने दो भाई, सारी सारी की सारी चीजें एक बंदे के पास रहनी चाहिए अभी, समझा करो। अरे फिर मैं हूँ ना भाई, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ भाई इस देश का। अरे नहीं 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 ऐसे समझा करो, मेरे पर रहने दो उसको, ठीक है ना भाई। अरे भाई मैं पाव से भी ज्यादा कीमत में रखूंगा भाई उसको। क्यों चाहिए ये, आपको क्यों चाहिए ये ना, अभी यहां पे टाइम मुझे देखना है यार, थोड़ा सा देखना है मुझे। ऐसे संभाल कर मरना मत, बिल्कुल ठीक है ना भाई, ये वैसे चाइनीज वर्जन है, खराब हो गया ऐसे यूज मत करना, ठीक है ना। फालतू में यार चाइनीज वर्जन है, खराब प्रूफ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे चाइनीज वर्जन अभी हमारे पास आ गया भाई, वो अभी देसी बन गया यार। वैसे ये बात बहुत गलत है भाई, आपने उनको दे दिया एसजीओ भाई को, वो दोनों के दोनों बटन से भाई एक बंदा यूज करेगा तो आपका प्रॉब्लम। अरे एक बंदे के पास रहने दो ना, निम्बा वादा आप लोगों के आता मैं रखूंगा, बिछड़ के कुछ हो गया फिर क्या करेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे आगे। यार मेरे को भी हाथ में छू के देखना यार वो कैसा दिखता है भाई, एटलीस्ट एक तो दे दो मेरे को छू के देखने का। क्या लड़की है क्या ये, क्या बात कर रहा है भाई, क्या छूना है, क्यों छूना है।
हेलो ये भाई ये तेरी की मोची नहीं है भाई, ये हमारा माल एक है। एक बार रहने दो भाई जी, एक बंदे को दिया हुआ रहने दो, ठीक है यार। क्या रो भाई, मेरे को सिर्फ देखना है यार वो कैसा फील करना है उसको। अरे ये हो जाए यार, सब कुछ सॉल्व कर, आप रख, कोई बात नहीं, उसको फील करने दे दो ना यार। भाई नहीं है मेरे, दो ऐसे भाई, दो दो दो। नहीं मैं नहीं दूंगा हाथ में। अबे यार उसको हाथ में क्यों दूं मैं, दे दो यार भाई, वो मांगेगा भी नहीं, कितना छोटा सा है भाई। उसकी मोची के पास जा भाई। अरे गाइस लड़ना स्टार्ट कर इतनी छोटी सी चीज के लिए, जो गाइस सबसे पहले एंड ऑफ टाइम वाली जगह पर पहुंचेगा ये उसको मिलने वाला है, ठीक है। वो इसको okay, पास ठीक है, सारे मिशन वगैरह पार करेगा फिर वो। अरे ये इसके पर्ल यूज कर रहा है भाई, दौड़ के चल रहा है। मैं पहले पहुंच के दिखाता हूँ, देखो अभी आ कर ले जा भाई, जीले वो पर्ल्स के ऊपर, तब तक तो मैं नहीं यूज कर देना है भाई। ये देख मैंने छुआ, ये देख वापस छुआ, देख रहा है माइटी भाई। देखो कोई चीटिंग नहीं चाहिए भाई, मेरे को चाहिए, मैं सबसे पहले पहुंच के ले जाना। पहुंच जाओ बस, पहुंच जाओ, भागो भागो भाई, जो सबसे पहले पहुंचेगा। ऑलमोस्ट गाइस 4000 ब्लॉक्स दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। ड्रीम बॉय आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं टाइम को रोक सकता हूँ, आप जहाँ पे हो वहाँ पे। भाई देख लो स्मार्टी भाई खराब हो जाएगा, ये तो चीटिंग कर रहे हैं पहले। अरे ऐसे मत कर, जाने दो उसको यार, तब तक आप यूज कर लो, उसके बाद ये यूज कर लेगा। बाय द वे गाइस इतनी एक्साइटिंग चीज है कि सभी के सभी को ना इस पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करने की, देखो यहाँ पे कितना टाइम स्लो कर दिया है, एक सेकंड भाई फास्ट फास्ट करो। कितना कूल है भाई, बहुत कूल है भाई, बहुत ज्यादा कूल है। अभी हम लोगों को एसईओ यूज मत करो, ये चाइना माल है। आपको पता अगर ये खराब हो गया ना एक बार, हम लोग फाइनल उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वारंटी पीरियड भी नहीं बताया भाई, एग्जैक्टली। जल्दी फटाफट चलो भाई वहाँ पर। अरे भाई एसईओ ये ड्रीम बॉय तो मोटे तरीके से भाई एक्साइटेड है इस चीज को यूज करने के लिए। फ्लैश के पतले तरीके से भाग गया भाई, हवा की तेजी में। इतना ऑसम है क्या एसईओ यूज करने के लिए? माटी पीछे से उगाला आ रहा है, माटी जल्दी पीछे देखो, उगाला कहाँ से आएगा अभी? अरे होगा लाला है यहाँ पे, जल्दी से। अरे वो होगा यार अपना बंदा, अरे अपना होगलू है ये बंदा, इसे कमाल करे। होगलू ये होगलू नहीं है, होगलू हमारे सारे बाजू में के लग चुके हैं। ब्रो ये हमारे लिटरली हमको मारने आ गया नजदीक हमारे, आपको ये डिस्कशन सुनने से पहले भागो भाई, उससे अच्छा बेटर वो है। आप डिस्कस क्या कर रहे हो? माय गॉड दिक्कत होगी, एसजे हमको मार देगा ये बंदा भी। वो तो मुझे भी पता है, इसलिए तो मैंने पॉज करके रखा है और पॉज कर रहा हूं मैं। अरे मैं जल्दी स्मार्टी पीछे मत आओ। अरे स्लो कर दिया आपने, थोड़ा तो फास्ट कर लो, मैं भाग नहीं पा रहा हूं। 3% मुझे बेडरॉक पड़ा, उसको कैप्चर करते हैं। दो से क्या करोगे? अरे यार हम लोग क्या करें, हमको मार देगा ये बंदा। ड्रीम बॉय बनी आप ही, ओह माय गॉड ड्रीम बॉय आप हमें सुन सकते हो जल्द। अरे यार मेरे पास क्राई ऑब्सिडियन है, शिट मेरे पास क्राई ऑब्सिडियन है मेरे पास। बात सुनो ऐसी, मेरी बात सुनो, आपका टाइम स्टॉपर पर टाइम स्टॉप को नीचे फेंको, इसको आज मैं यही कैप्चर कर दूंगा, मां कसम खा रहा हूं मैं। ऐसे थोड़ा सा यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, मैं इस कोयले के ऊपर फेंक रहा हूं, कोयले के ऊपर फेंक रहा हूं, मेरे को ओसीडी हो रहा है। थोड़ा टाइम बढ़ाओ पहले, एक बार 25 करो प्लीज, 25 करो, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 25। फेंको साथ में क्राइंग ऑप्शन फेंको, इसको मैं आज कैप्चर करूंगा इधर ही, और इसको यही रख देंगे। मेरा ऑब्सिडियन मेरा पे का ही कांसेप्ट ही खत्म हो जाएगा इधर ही। जल्दी मैं उठा रहा हूं, फेंको फेंको फेंको, काहे क्रैक ऑप्शन भाई, ऑब्सिडियन फेंक रहा हूं सारे। ओके फेंको, मेरे पास टाइम स्टॉप आ गया, मैं यहां पे टाइम स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने टाइम स्टॉप कर दिया, मैं इसको उठाता हूं एक बारी, मैं उठा नहीं पाऊंगा टाइम स्टॉप करके शायद से। ओ माय गॉड मेरी हेल्थ जा रही है, अरे जल्दी है थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। हेलो टाइम बढ़ाओ मैं बढ़ा दिया, हंड्रेड करो टाइम को जल्दी। बस दैट्स इट भाई साहब, दैट्स इट। ओ भाई आपको पता भी यहाँ पर क्या हुआ एसईओ? आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आपकी मंडी नहीं दिख रहा, मैं दिख रहा हूँ। हेलो हाँ, मैं आपकी मंडी राइट साइड है, इधर मुंह के सामने होगा लाला हवा में अटका हुआ है, और आप ब्रो ये नजारा मैं क्यों नहीं देख सकता यार? आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं नजारे को, अभी देखो जो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको मैं अभी यहाँ पर क्राइंग ऑब्सिडियन की जेल के अंदर कैप्चर करने वाला हूँ। ये बंदा यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए फंस चुका है, ये हवा में है क्या? क्योंकि नीचे का भी कर लो, ये हवा में है, ये लिटरली हवा में है, ये कुछ नहीं कर सकता है। ओ माय गॉड दिस इज सो क्रेजी डूड गाइस, ये देखो यहाँ पे फ्री में हमारा एक बंदा जेल के अंदर चला गया, तो ये तोड़ भी नहीं सकता क्राइंग ऑब्सिडियंस को, यू गाइस नो दैट राइट। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं डबल लेयर लगाने वाला हूँ। अरे यहाँ पे ग्लिच हो रहा है, यहाँ पे ग्लिच, ब्रो
यहाँ पर मैं प्लेस इसके ऊपर मैं प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्राइंग ऑप्शन वेस्ट हो रही है भाई। इसने कुछ तो यहाँ पे सीन किया हुआ है मम्मी कसम से। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो। अभी फिलहाल के लिए मैं फास्ट कर दूंगा टाइम, इसको जितने क्राइंग ऑब्सीडियन में लटका सकते हो लटका दो, हम भाग जाएंगे। मैं आपको यकीन नहीं मानोगे, आप इसके सर के ऊपर मैं क्राइंग ऑब्सीडियन लगा ही नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने कुछ तो किया होगा यार, इतने सालों से ये कैप्चर नहीं होगा। इसने किया है कुछ तो गड़बड़ किया है भाई। मेरे को एक टाइम, मुझे एक टाइम को ऊपर लगा। मैं एक काम करने वाला भेजियो, मैं यहाँ पे ना अभी ना टाइम को ओपन करने वाला, बस ये बाहर ना निकले क्योंकि आवाज तो मेरी सुन रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। ओ माय गॉड, ये कितना चालू बंदा है। स्मार्टी एक काम करो ना, उसके सर के ऊपर वाले एक ब्लॉक के ऊपर लगता है। नहीं लगा रहा है, मैं लगा रहा हूँ, ऊपर तक लगा दिया। मेरे को टाइम को ओपन करना पड़ेगा, रुको एक बारी, इसको मैं यहाँ लाता हूँ, ठीक है ना। मैं स्लो कर दूंगा, चाहिए तो ये मेरा 4 से 5 हो गया था, रुको मैं एकदम से कर रहा हूँ। हाँ स्लो कर ले, ठीक है ना, स्लो करना, 3 कर देना, 1 2 3 स्टार्ट, कर ले जल्दी कर ले, जल्दी करो। ये बाहर निकल चुका है एक्चुअली, तभी मैं लगा नहीं पा रहा, ध्यान रखो उसको हवा में। What the hell? यार मैं 50% रुक गया हूँ। No waste. As you, आपके अरे यार ये गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। आपको फिर से पॉज करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली मैं बाहर निकल चुका, दैट्स व्हाई नहीं हो पा रहा था यार, ये गड़बड़ हो चुकी है। As you, मैं एक बार यहाँ पे टाइम को ओपन करने वाला, फिर मैं एकदम से क्रैंक ऑप्शन लगा दूंगा अगर ये नीचे गिरता है तो। मैंने स्लो कर देना है एक थोड़ा सा। 3-2-1 लेट्स गो, मैंने कर दिया है, नीचे गिर जा। लेट्स गो, मैं लगा दिया। भाई पहले ये ले लो भाई, मेरे को ये चिल्लफड़े चाहिए नहीं भाई जीवन में, ये फालतू चीज चाहिए नहीं मेरे जीवन में। एक्चुअली बहुत फन, चलो यहां से जियो। हम लोगों ने होगा लाले को कैप्चर, ये देखो वहां पे क्या हो रहा है, लेट्स गो। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ यार, ये तोड़ पेड़ थे उससे पहले गायब हो जाते हैं भाई, तोड़ ही नहीं सकता, ये तोड़ ही नहीं सकता। रुको भाई, एक काम करना पड़ेगा, इस जगह के स्क्रीनशॉट मारने पड़ेंगे। चलो ऐसे अभी यहाँ पे, माय गॉड ये क्या हुआ अभी भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, गॉड की कसम यार, ये तो भाई कुछ गलत सीन हो गए यहाँ पे, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। चलो यहाँ से, ओ माय गॉड, जीवन के जब लगने होते हैं ना भाई साहब, सब जगह से लग जाते हैं यार, ये क्या हो गया। ऐसे टाइम स्टॉप कर दिया होगा लाला ने टाइम स्टॉप कर दिया। ए चुप रे, चुप तुम, चुप। मैं डरा रहा था, मैं 150 रुपए चलान काटूंगा भाई, जल्दी चलो अभी फिर से ऐसे किया भाई। अभी हम लोगों को भाई एंड ऑफ टाइम वाली जगह पर पहुंचना है, आई थिंक इतना 2500 ब्लॉक बचे हुए अभी भी, एंड वहां पर पहुंचने के बाद पजल सॉल्व करके फिर आगे भी जाना भाई, मर जाएंगे हम लोग, जल्दी चलो भाई। अरे अपना पप्पू किधर है? पप्पू तो वहां पहुंच गया होगा ना, ये कुत्ता डर गया होगा एक्चुअली में। डोगलू आ पीछे, होगलू भी चल रहा है, चला मैं डोगलू बोल रहा हूँ भाई, क्या हो गया भाई? मैं परेशान भाई, अब हम नशे में है भाई, हम मॉन्स्टर्स के नशे में। मैं पर बहुत खुश हूँ ऐसे, हम लोगों ने होगलाला कैप्चर कर दिया, मां कसम यार, डूड पिछले बार पूरा सीजन लग गया था उसको कैप्चर करने के लिए, इस बार उसी की गलती से भाई। आप ही मानते हो इस पूर्ण मेरा वाली जगह पे कितना बड़ा एडवांटेज मिला हमको, टाइम स्टॉप कर दिया सुनने का भाई, दुनिया हिला दी उसके हमने, माय गॉड। चलो भाई जल्दी चलो यार, ओ माय गॉड यार, This is so crazy, dude. और guys, Instagram पे हम लोगों को भेजना, मेरे को दिखानी है बिल्कुल भी, मुझे बस Smarty को टैग करना, Dreamboy को भी टैग करना, उसको भी दिखानी होगा। Instagram पर भेजना guys, link description में है। हम लोगों को टैग करना, मुझे दिखाना। कभी देख सकता है उस चीज पर, ठीक है ना? हाँ मैंने देखा नहीं है भाई, मैं अपने आंखों से। कैसे हुआ है? प्लीज हम लोग को दिखा रहा, दैट विल बी ऑसम। और अभी ए भाई तुम्हारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए भाई, अभी दिखाओ भाई, दे दो वो माल, दे दो भाई ए टाइमर भी, मैं दे दो हमको। अभी तो आपने मुझे वापस किया था भाई, दे दो ना यार, वो थोड़ा ड्रीम बॉय को छेड़ने में मजा आता है। छेड़ोगे तो आप ही छेड़ोगे, मुझे बता भाई क्या फ्री अपने पास, वो फ्री में नहीं है भाई, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए आपके। ठीक है ठीक है, आप रखो उसको अपने पास, और एक काम करते हैं, टाइम ऑफ टाइम वाली जगह पे चलते हैं, ड्रीम बॉय पागल हो रहा होगा भैया, वहाँ पे हमारा वेट कर रहा होगा बंदा, ये भाई हमारे पर हमले कर रहा है वहां से होगा लाला, जल्दी भागो, मैं बता रहा हूँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए इससे पहले हमारे, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। माय गॉड, अरे ये टार्जन क्या उड़ा उड़ कर दे, ये टार्जन सुन रहा है, ड्रीम बॉय दिख गया है भाई, एंड ऑफ टाइम वाली जगह पे आ तो गए, लेकिन भाई यहां पे एंड ऑफ टाइम जैसा फील नहीं हो रहा यार, ड्रीम बॉय कुछ है भाई, लोग कहां थे, कितनी देर में क्यों आ रहे हो तुम लोग, ये देखो ऐसे इसको इसको मत ही बताओ, इसको मत बताओ, आप क्या हो हमारे साथ, मत बताओ इसको, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, बताना ही नहीं है, क्या करके आए, तुम इंस्टाग्राम पे पता चलेगा भाई, इंस्टाग्राम पे चलेगा, इसको बता ये बंदा भाई यहां पे कब का पहुंचा हुआ है, सिर्फ उस टाइम वाली चीज को इस्तेमाल करने के लिए, है ना, अजीब आदमी भाई, ये सच्ची नहीं बताना, नहीं 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 बताते, लेट्स गो इंस्टा पे, गाइस इंस्टा पे पता चलेगा, ओ ऐसे इधर आओ यार, देखो अबे साले ये की व्हाट द हेल, ये है एंड ऑफ टाइम, यहां पे सारी ट्रेन्स खत्म हो रही है, एग्जैक्टली मैन, मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था ये सब देख के, लेकिन Guys, वो गया तेल लेने, जो कुछ भी आप बोलने वाले हो, आपने नोटिस किया ये एग्जैक्ट घड़ी के आधे में कट हुआ है,
आप यहाँ पे खड़े रहो और यहाँ पे देखो घड़ी के एग्जैक्ट सेंटर में। मैं आपको बता रहा हूँ ब्रो, दिस इज एंड ऑफ टाइम गाइस, पूर्णविराम का एंड ऑफ टाइम है। इसके आगे तुम लोगों को कोई भी ऐसी टेरेन नहीं मिलने वाली, जो टेरेन का मतलब होता है जैसे पहाड़ वगैरह, जमीन एक भी नहीं मिलने वाली है भाई। और हम लोग यहाँ से आगे जाना है हम लोगों को। अब दिक्कत ये है कि मतलब बोला था उन बुजुर्ग अंकल ने कि अगर हमारे पास वो टाइम वाले तीनों चीजें होगी तो हम लोग लाइक सपोज जैसे एसजो आपके पास है वो है ना, तो आपके घेरे के 50 ब्लॉक्स के आसपास जब तक हम लोग चलते रहेंगे हम लोग वॉइड के ऊपर चल पाएंगे। जैसे हम लोग 50 ब्लॉक से दूर गए हम लोग लिटरली वॉइड से नीचे गिर जाएंगे। वाह, पहली बार मेरे हाथ में इतना ज्यादा ऑसम चीज आया भाई। अब तुम दोनों की डोर मेरे हाथ में है भाई। अब आप हमसे दूर मत जाना, बट क्या हम लोग एक्चुअली में जा सकते हैं नीचे? ये प्यार से बोलो ना, थोड़ा प्यार से बोलो। और अबे भाई मेरे को वो तो दो अभी, मैं सबसे पहले पूछूं यार, एटलीस्ट मेरे को यूज तो करने दो। क्या कह रहे हो भाई, हुआ क्या है? इंस्टाग्राम पे क्या पता चलेगा मेरे को? एसजे के आधे पावर आ चुके हैं, आपको तो नहीं देगा। और अभी तो भाई तुम भूल जाओ, एक तुच्छ सी चीज के लिए हमको छोड़कर आ गया है ना, हमारे साथ बहुत मोटा कांड हुआ है। इंस्टाग्राम पर ही चलेगा, बता वो इंस्टाग्राम पे लोग हम तीनों को टैग करेंगे ना, तब आपका ही टैग होगा जिसके पीछे लिखा होगा कि भूत रह गया यार। ठीक है भाई, मत बताओ कोई नहीं, पर ठीक है भाई, गलत हुआ मेरे साथ, बहुत गलत हुआ। गाइस सुनो, बाकी सब कुछ ठीक है, बट अभी हम लोग को बस एक चीज टेस्ट करने की, क्या हम लोग एक्चुअली इस वर्ल्ड के ऊपर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते भाई। जाओ आप पे, आप ही करोगे भाई आपके अभी पास है सारे के सारे टाइम वाली चीजें। नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, आप बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि आपके पास है, अगर मेरे ड्रीम में से कोई मरता भी है तो एटलीस्ट ये चीजें सेफ रहेगी। हम लोगों को किसी भी हालत में टाइमलाइंस को ठीक करना है, हेमलाइंस की, एक नहीं तो दूसरा आदमी जरूर करेगा। बट आप लोग एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मुझे उन बुजुर्ग अंकल ने क्या बताया था, गई जी एंड ऑफ टाइम जगह ही है, पूर्ण विराम जगह ये, यहाँ पर अगर यहाँ से बेसिकली तुम लोग मान लो शून्य वाली जगह ये, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है, यहाँ पर अगर हम मरेंगे हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं होंगे दोबारा से भाई। एक सेकंड, जहाँ से सब एक सेकंड, ये अगर शून्य है तो वहां से स्टार्ट भी हो सकता है और शून्य खत्म भी हो सकता है, एंड भी होता है जीरो। आप याद रखो, मरोगे तो आप रिस्पॉन नहीं होगे, ये बात। और अगर मैं भी रिस्पॉन हो गया, अरे रुको 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 भाई, मेरे पास एक आइडिया भाई, खुद क्यों मौत के खेल में जा रहे हो, कोई आइटम गिर के देखो ना। ओ आइटम तो यू आर राइट, नो आइटम नीचे गिर गई, वो न मैं नहीं जा रहा, मैं तो जा नहीं रहा। नहीं आज श्योर, मैं बता रहा आपको, मेरी गारंटी है ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस बुजुर्ग अंकल ने बोला, झूठ नहीं बोलेगा वो, हम लोग छलांग मार सकते हैं वाइड के ऊपर, हो सकता है आइटम्स नीचे गिरे बट इंसान ना गिरे। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है ना, मेरे को यकीन है बुढ़ो के ऊपर। तो हमारी दुल्हन आप ही हो, आपके सामने मैं अभी यहाँ पे लोटा रखता हूँ चावल का, गिरा दो जाओ। ऑलराइट गाइस, मैं छलांग मारने वाला हूँ, या तो ये मेरा एंड होगा, कभी रिस्पॉन्ड नहीं होगा हेमलैंड्स पे। तो इस रिस्क के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है मैन, क्या बोलते हो गाइस तुम दोनों भी? एक ही लाइक चाहिए आपको? चार लाख लाइक, हर बंदे के एक लाइक मारेगा गाइस, तो तुम लोग 1 मिलियन लाइक्स भी करा सकते हो। मैं जा रहा हूँ, देखी जाएगी। मैं नीचे आ जाऊँ क्या? ज्यादा दूर नहीं जा सकता, 50 ब्लॉक से ज्यादा दूर नहीं जा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। मैं नीचे आ जाऊँ क्या? छलांग मारो, 1 2 3 लेट्स गो, लेट्स गो, हम लोग एक्चुअली वॉइस पे चल सकते हैं। अरे भाई क्या टकले मार रहा है बंदा, लेट्स गो वॉइस एंड ए, किधर जा रहे हो भाई? ब्रो हम लोग एक्चुअली चल सकते हैं इसके ऊपर, ए नानी खींच लूंगा मैं, क्या कहां पे जा रहे हो ब्रो? ये कितना क्रेजी है, सामने के साइड में देख रहा है, लग रहा है मैं चल नहीं रहा बट एक्चुअली चल रहा हूं गाइस मैं। अजीब जैसा लग रहा है, स्वाइटी स्वाइटी रुको, अजीब आगे नहीं, अजीब पीछे देखो, पीछे गए, आखिरी बार देख लो जमीन को यार, आखिरी बार देख रहे हैं। आई थिंक इसके बाद के हमारे मिशन ना वो हवा में ही होने वाले, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, आखिरी बार जमीन को देख कर बाय बोल देते हैं, गुड बाय जमीन, गुड बाय जमीन। Let's go, man. Smarty भाई, बट अब ये तो बताओ कि वो पजल क्या है मैन, जो हमें सॉल्व करनी है। ओके गाइस, तो हम लोगों को बेसिकली ना यहाँ से अगर हम लोगों को आगे जाना है, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरे तरीके से वॉइड है हर जगह पे, आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये बात बता दी तुम लोगों को, यहाँ जो भी क्रिएटर्स है एंड ऑफ टाइम वाले जगह के, जिन्होंने वो जगह बनाई है जहां पर हम लोगों को फाइनल मिशन करना है। बाय द वे फाइनल मिशन सब मेरे को समझा देते उस बुजुर्ग अंकल ने, उस आचार्य जी ने, बट हम लोगों को इस वॉइड में कौन सी डायरेक्शन में जाना है, यहाँ जाना है, सामने जाना है, उधर जाना है, किधर जाना है एग्जैक्ट, ऐसी हो उसके लिए एक रिडल सॉल्व करनी पड़ेगी। अब वो रिडल उन लोगों ने जानबूझ कर रखी थी ताकि वो लोग खुद गलती से भूल ना जाए। तो गाइस रिडल कुछ ऐसी है कि 33 persons वर देयर, 12 वेंट राइट एंड 21 वेंट लेफ्ट। ऐसी ये पजल है, क्या है ये क्या है? 33 persons वर देयर,
12 went right, 23 went left, 22 went left. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे हम लोग डायरेक्शन का कैसे करेंगे पता? Guys, अरे पर वो बंदे थे, उनको जाना था, उनको जाने दो, हम क्या करें उनसे? ऐसे ये पजल है, ये पजल का आंसर होगा. 33% were there, okay? 12 went right and 21 went left. 21 था, 22 नहीं था. 12 बंदे right गए, 21 बंदे left गए. ये क्या है? मेरे को समझ नहीं आया. I think हो सकता है इसका मतलब कि like 21 left गए तो हम लोगों को जाते left को जाना है. बट अगर हम लोग गलत डायरेक्शन में भी जाते तभी ये कहीं ना कहीं वॉइड हो सकता है, खत्म हो जाए, हम लोग नीचे गिर जाए. Maybe ऐसे हो कि 12 स्टेप जाना पड़ेगा हम लोगों को. 12 स्टेप यहाँ पे जाना हो, फिर 11 स्टेप यहाँ पे जाना हो, तो इससे क्या होगा? मतलब जो बंदों का काउंट है, मेरी वो डायरेक्शन पकड़नी है. गाइस तुम लोग इस पर्टिकुलर जो हमारी रिडल है इसको सॉल्व करने की ट्राई करो. आई डोंट नो कि हम लोगों को क्या करना चाहिए अभी, बट ये चल लो गाइस नेक्स्ट एपिसोड करने वाले ऑफ कोर्स. हां कर सकते हैं, मे बी 12 टाइम हम लोग को लेफ्ट लेना हो और फिर 13 टाइम राइट लेना. क्या है यहां पे भाई, आप तो घूमते रह जाओगे भाई ऐसे करके. चलो गाइस ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं. अगर तुम लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और हम लोग मिलेंगे तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में. तुम लोग भी इस रिडल को सॉल्व करने की ट्राई जरूर करना मैन. बाय बाय गाइस. और फिर एक आपने बोला डिक्स